राजकोट में जल संकट उभू थवाना भणकारा लागी रहा है। राजकोट मेयर मुख्यमंत्री पासे मदद मांगी है। मुख्यमंत्री ने पत्र लखीने सौनी योजना थकी पानी की मांग करवामां आवी छे। आजी अने न्यारी डेम में पानी ठालवा माटेनी मांग कराई छे। वरसाद खेंचाय तो 20 मिनिट पानी वितरण की स्थिति उभी थई शके छे। आजी डेम की सपाटी 225 एमसीएफटी, न्यारी डेम की सपाटी 329 एमसीएफटी, भादर एक डेम में सपाटी 1390 एमसीएफटी, भादर एक डेम में राजकोट शहर ने दैनिक 415 एमएलडी पानी अपाय छे। सौनी योजना पानी मळे तो जल संकट हळवू थाय। गौतम भेड़ा संवाददाता राजकोट थी लाइव जोड़ाई गया है। गौतम, जो वरसाद हजी पण खेंचाय छे, हजी पण वरसाद अति भारे नथी नोंधातो तो राजकोट में जल संकट उभू थई शके छे। त्यारे मेयरे मुख्यमंत्री ने पाणी माटे जे मदद करी छे, कया कया मुद्दाओनो खास आ पत्र में उल्लेख करायो छे? चोक्कस, राजकोटनी वात करवामां आवे तो राजकोट शहर में जे पानी नो संकट है भूतकाळ बनी गयो हतो, परंतु आ वखते जे वरसाद खेंचायो छे तेना लीधे फरी एक वखत जे राजकोटनी जीवादोरी समान कही शकाय के आजी अने न्यारी डेम छे तेमां जल संकट उभू थवानी शक्यता छे। आ बाबतने लईने मुख्यमंत्री ने राजकोटना मेयर छे डॉक्टर प्रदीप दव तेमना द्वारा पत्र लखवामां आव्यो छे। आपणी साथे मेयर छे तेमनी साथे ज वात करीशुं। प्रदीपभाई, जे पत्र लखवामां आव्यो छे तेमां शुं उल्लेख करवामां आव्यो छे अने वर्तमान परिस्थिति प्रमाणे राजकोट शहेरनी पीवाना पाणीनी कई रीते परिस्थिति छे? राजकोट शहर की हाल की जो वस्ती है ए मुजब 415 एमएलडी है राजकोट शहर की कायमी मांग है। राजकोट शहर माटे पाणीना हालना स्त्रोतों में आज एक न्यारी अने भादर डेम पर पाणी नी आधारित है। त्यारे हाल में जे डेमों की स्थिति है, खास कर आज न्यारी अने भादर डेम ए 20-25% हाल में तेमा पाणी है। त्यारे आ स्थिति जोता दर वर्षे चोमासू 16 जून आसपास बेसतु होय छे, परंतु आ वक्त चोमासू है खेंचायु है। त्यारे हाल पानी की स्थिति जोता ऑगस्ट महीना सुधीनो पानी नो जथो छे ए डेम में रहेलो छे। जो वरसाद वधु खेंचाय तो स्वाभाविक छे अमारे छे सौने योजना थकी ए नर्मदा आधारित पानी नी मांग छे ए करवी पड़े एवी स्थिति नु निर्माण थई रह्यु छे। त्यारे माननीय मुख्यमंत्री विजयए कायमी राजकोट शहर की चिंता करी छे अने एक पण दिवस पानी नो काप राजकोट महानगर ने आवा नथी आप्यो। त्यारे हाल में जे स्थिति छे अने अमारी जे आगामी मांग रहेली छे अने पाणीनी जे डेम में जे जथो छे एमनू स्थितिनू ध्यान छे ए माननीय मुख्यमंत्री पासे करी छे अने आगामी समय में जो वरसाद खेंचाय तो राजकोट महानगरपालिका में पाणीनो केटलो जथो आपणे जरूरियात रहे ए अंगे माननीय मुख्यमंत्रीश्रीनू ध्यान दोर्यु छे। राजकोटनी परिस्थितिनी वात करवामां आवे तो अत्यारे केटला पाणीनी जरूरियात छे अने मुख्यमंत्रीने जे पत्र लखवामां आव्यो छे कई कई बाबतोनो उल्लेख करवामां आव्यो? माननीय मुख्यमंत्री श्री ने जे बाबते ध्यान दोर्यु तेमा खास करीने आ पाणीनी जे राजकोटनी मांग दर्शाईवी छे 415 एमएलडी नी अने हालमां जे 20-25% जथो छे अने ऑगस्ट महीना सुधी चाले तेटलू पाणीना त्रण डेमो एटले के आजी न्यारी अने भादर। हवे पछी मानो के जो ऑगस्ट सुधीमां वरसाद न आवे तो स्वाभाविक छे भविष्यना आयोजन माटे थईने पाणीनी जे मांग छे ए पाणीनी मांग पहोंची वळवा माननीય मुख्यमंत्री સાહેબનું છે એ અંગત રીતે ધ્યાન પર મૂકેલું છે। ભૂતકાળમાં પણ રાજકોટને સૌની યોજનાની પાણી છે નર્મદાના નીર છે તે મળી ચૂક્યા છે। આ વખતે ફરી એક વખત લાગે છે વરસાદ ખેંચાયો છે, પરંતુ જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે લોકોને શું આપ કહેવા માંગશો? કારણ કે ભૂતકાળમાં લોકો પાણી કાપને જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે તે પ્રમાણે ભવિષ્યમાં પણ આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય એવું લાગી રહ્યું છે, ત્યારે લોકોને શું આશ્વાસન આપશો? આપણે ઈચ્છીએ કે કુદરત ખૂબ સારો વરસાદ રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રમાં આપે જ એમના માટે પાણી માટે છે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ખૂબ યોગ્ય પ્લાનિંગ સાથે યોગ્ય આયોજન કરશે જ અને રાજકોટના લોકોને હેરાનગતિ ન થાય એ સ્વાભાવિક રીતે એ દિશામાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના પ્રયત્નો રહેશે। તો જે રીતના રાજકોટના મેયર છે ડોક્ટર પ્રદીપ દવ તેમના દ્વારા મુખ્યમંત્રીને પત્ર પર લખવામાં આવ્યો છે, ઓગસ્ટ મહિનામાં જો ઓગસ્ટ મહિનો શરૂ થાય ત્યાં સુધીમાં જો વરસાદ ન પડે તો જે પાણીની સમસ્યા છે તે રાજકોટમાં ફરી એક વખત શરૂ થઈ શકે છે અને આ સમસ્યા ન થાય એના માટે મુખ્યમંત્રીને તેમના દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે। જે સૌની યોજના અંતર્ગત રાજકોટનો આજી ડેમ છે તેમાં પાણી ઠલવવામાં આવે જેથી કરીને જે પાણી કાપ સહિતની જે સમસ્યાઓ ભવિષ્યમાં રાજકોટમાં થઈ શકે છે તેને નિવારી શકાય। જી, ધન્યવાદ જાણકારી માટે ગૌતમ।
वडोदरा में।